अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करें, आमीन। आइए आज हम आपको गोभी, चिकन और आलू की रेसिपी देते हैं सलाद की। तो ये है 1.5 किलो गोभी और ये 5 बड़े टमाटर हैं, 2-3 हरी मिर्चें हैं, 1/2 किलो आलू हैं और ये 4 प्याज़ें हैं और ये 3 पाव चिकन है और ये 2 चमची मिर्चें हैं, 1 चमचा धनिया, 1 चमची हल्दी, 1 चमची नमक और ये थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला है। चलिए आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तेल डाल दिया और अब हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं और इसी के साथ ही हम खड़ा गरम मसाला भी शामिल कर देते हैं। इन दोनों को थोड़ा फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन प्याज हो गई है, अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। काफ़ी शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। चिकन को भून देंगे थोड़ा। अभी हम टमाटर और हरी मिर्ची जो है ये शामिल कर देंगे इसमें और इसी के साथ ही हम ये मसाले, ये सारे मसाले शामिल करेंगे, हल्दी, नमक, मिर्चें, सब चीज़ें। ये डाल दिया, अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि चिकन गल जाए और ये थोड़ा सा फिर गल जाएगी तो फिर मसाला भून के फिर इसमें सब्जी डालेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए और ये घी भी ऊपर आ गए। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे और फ्राई करेंगे थोड़ा आलूओं को, इसके साथ ही हम वो शामिल कर देंगे गोभी शामिल कर देंगे और थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे, ग्रेवी वाला बना रहे हैं मसाले में। जब तक आपसे गुजारिश है कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये गोभी भी शामिल कर देंगे सारी, गोभी को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे फिर इसमें पानी डालेंगे। भुन गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे थोड़ी सी ग्रेवी के लिए और थोड़ा गल जाने के लिए। ये देखिए बस थोड़ा सा पानी और अब इसको हल्की आंच पे रख देंगे आलू गलने तक। आइए देखिए चिकन, गोभी और आलू की सब्ज़ी तैयार है, बनाइएगा, खिलाइएगा अपने बच्चों को, इतना लजीज बनेगा कि बस खाएंगे एक बार तो फिर बार बार बच्चे फरमाइश करें। खाइएगा, खिलाइएगा अपनी फैमिली को और दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।